आप लोगों को इस कालखंड में संस्कृत के क्रियापदानी अर्थात क्रियापद आपको हम सिखाते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात हमने आपको बताया है क्रियापदानी, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे क्रियापदानी अर्थात क्रियापद, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर बात आप आ रही है कि पद की, तो पद किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए। जब कोई शब्द अकेला होता है उस समय वह शब्द होता है, ठीक है? किंतु वह शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब हम उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो क्रियाएं अक्सर कहाँ आती हैं? वाक्य में आती हैं। जैसे हमने बोले बोले बेटा यहां पर लिख, तो यह क्या है? शब्द है। क्या है ये? शब्द है, ठीक है? अब परंतु यहां हमने बोले कि अहम लिखामी, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। तो यहां अहम शब्द भी क्या है? पद है। और लिखामी शब्द भी क्या है? पद है। या हम इसी का दूसरा वाक्य बनाएंगे, सह लिखाती। इस वाक्य में सह यानी वह, लिखाती यानी लिखता है, वह लिखता है। तो यहां सह भी एक पद है और लिखाती भी एक पद है। तो यहां जो लिखाती है बेटा यह एक क्रियापद है। क्या है? क्रियापद है। और क्रिया किसे कहते हैं आपको पता है? चलिए कौन आगे बताएगा यहां पर? हाँ चलिए काव्य आ जाइए बेटा सुनाइए। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे कोई कार्य का होने का पता चलता है। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। काव्य ने बता दिया कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का हमें पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं या क्रियापद कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखने के कार्य का पता चलता है। कार्य कौन से कार्य का? लिखने के कार्य का पता चलता है। तो बेटा हम आपको क्रियापदानी अर्थात क्रियापदों के बारे में बताने से पूर्व यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। शब्द का शब्दार्थों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? और समझ लेते हैं ताकि आपको अनुवाद करने में, अर्थ समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है? मेरे पीछे बोलेंगे पढ़ाती, पढ़ता है, लिखाती, लिखता है, धावती, दौड़ता है, खेलती, खेलता है, खाती, खाता है, चलती, चलता है, ऐसा, यह, ऐसा, यह, एतत्, यह, सह, वह, सा, वह, तत, वह। बेटा अभी आपने यहां से यहां तक क्रियापदों के बारे में पढ़ा, क्रियाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है? यहां पर ये पढ़ने का बोध हो रहा है इस शब्द से, इससे लिखने का बोध, इससे दौड़ने का, इससे खेलने का, इससे खाने का, इससे चलने का बोध होता है। किंतु यहां से यहां तक ये सर्वनाम शब्द है। कौन शब्द है? सर्वनाम शब्द है। यहां देखिए ऐसा यानी भी यह, ऐसा यानी भी यह, और एतत् यानी भी यह होता है, ठीक है? परंतु इस ऐसा का प्रयोग हम पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं, और ऐसा ऐसा यानी भी यह होता है, किंतु यह स्त्री जाति की संज्ञाओं के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरह एतत् का मतलब यह होता है, किंतु यह नपुंसकलिंग संज्ञाओं के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आपको पता है ही, सी और इट,
कि तीनों का मतलब होता है वाह होता है हाँ। तो ही का हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, मैक्सुलाइन जेंडर के लिए, और सी का प्रयोग हम फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं, और इट का प्रयोग है वह न्यूटर जेंडर के लिए हम प्रयोग करते हैं, नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह संकत में भी ऐसा पुल्लिंग के लिए, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए, एतद नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर देखिए सा और तत् इन तीनों का मतलब वाह होता है। क्या होता है? वाह। किंतु इस सा का प्रयोग हम पुल्लिंग संज्ञा के लिए करते हैं, इस सा का प्रयोग हम स्त्रीलिंग संज्ञा के लिए करते हैं, और तत् का प्रयोग हम नपुंसकलिंग संज्ञाओं के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए एक बार। आप यहाँ देख रहे हैं बेटा क्रिया पदानी, यहाँ आप चित्र देख रहे हैं इस बालक का। ये बालक क्या कर रहा है चित्र में देखिए? पढ़ता है ये बालक, है ना? तो यहाँ पर हम ये पढ़ता है, इसलिए क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे पठती। काय का प्रयोग करेंगे? पठती। ठीक है, पढ़ता है। अब यहाँ पर ये कौन है? बालक है। कौन है ये बालक? तो इसके लिए हम संकत में बालकः का प्रयोग करेंगे, और वाक्य जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? बालकः पठति। इसके लिए प्रश्न क्या बनता है? कः पठति, कः यानी कौन, कः यानी कौन, कः पठति कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। हाँ, तो इसका उत्तर होगा बालकः पठति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अब इस दूसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर ये बालक क्या कर रहा है बेटा? देखिए लिखती, लिखता है ना? यस। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये कौन सी क्रिया कर रहा है? लिखा, लिखने का काम कर रहा है, अर्थात लिखती, लिखता है। अब इसके लिए प्रश्न बनेगा कहाँ लिखती, तो क्या होगा हिंदी में? कौन लिखता है, कौन लिखता है, उसका उत्तर क्या होना चाहिए? बालक लिखती, बालकः लिखती, बालकः लिखती। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ देखिए ये जो लड़का है क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इसके लिए क्रियापद है धावती। क्या है? धावती, धावती, दौड़ता है। कह धावती, बालकः धावती। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब यहाँ पर देखिए ये बालक क्या कर रहा है? खेलता है। तो ये क्या जाएगा? देखो खेलती, क्या जाएगा? खेलती, खेलता है। कहाँ खेलती? बालकः खेलती। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? खाना खाता है, खाना खाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे खादती। बोलिए खादती, खादती। कह खादती, बालकः खादती, बालकः खादती। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो आपने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया है ना, क्रियापदों के बारे में पिछले प्रश्न में पढ़ लिया। इसमें भी हम क्रियापदों के साथ में सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर बेटा ये बालक है, देख रहा है ये बालक? यस। हैं? यस। ये बालक के बारे में दो तरह से बोला गया है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, ये बालक है, बालकः चलती लिखा हुआ यहाँ पर। यस। तो बालक चलता है, क्या हुआ? बालक चलता है, बालक चलता है। यहाँ बालक के किनारे एक उंगली से इशारा किया गया है, और ये बालक के किनारे है। जब बालक किनारे पर होता है तब हम क्या कहेंगे? ऐसा चलती, ऐसा चलती, यह चलता है, यह चलता है। फिर आगे बोला गया है ऐसा बालकः चलती, ऐसा बालकः चलती, यह बालक चलता है, यह बालक चलता है। जब बालक किनारे होता है उस समय जब हम इंगित करते हैं उस समय ऐसा बोलते हैं, किंतु जब बालक दूर होगा, हम दूर से किसी बालक की ओर इशारा, चलते हुए बालक की ओर इशारा करेंगे तो क्या होगा? सह चलती, सह चलती, वह चलता है, वह चलता है। सह बालकः चलती, सह बालकः चलती।
वह बालक चलता है, वह बालक चलता है। देखिए आपको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझाते बेटा हम। काव्य आप बेटा वहां से चलोगे किनारे से, हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या बोला जाता है। आइए इधर, हाँ किनारे किनारे बेटा, हाँ काव्य चलिए बेटा जरा आप। देखिए ऐसा चलती, ये हम किनारे से बोल रहे हैं बेटा, है ना। अब हम अगर दूर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, देखिए हम दूर दूर हो गए, अब दूर से हम बोल रहे हैं, देखिए हाँ चलिए। सह चलती, वह चलता है, समझ में आया बेटा आप लोगों को। yes. तो जब हम किनारे रहता है कोई बालक, तो किनारे की वस्तु के लिए हम ऐसा का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु के लिए हम सह का प्रयोग करते हैं। यदि मान लो एक बालक के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई बालक किनारे पर है और हमको बोलना है कि यह चलता है तो ऐसा चलाती, और दूर पर है तो हम बोलेंगे वो सह चलाती, वह चलता है। समझ में आया आप लोगों को। yes. बहुत बढ़िया। अब देखिए इस बालिका को, बालिका चलती, बालिका चलती, बालिका चलती है, बालिका चलती है। जब हम इस बालिका को किनारे से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा चलती, ऐसा चलती, यह चलती है, यह चलती है। ऐसा बालिका चलती, ऐसा बालिका चलती, यह बालिका चलती है, यह बालिका। अब यही बालिका अगर हम दूर से बोलेंगे, मानो दूर से जा रही है, तब हम क्या बोलेंगे, सा चलती, सा चलती, वह चलती है, वह चलती है। सा बालिका चलती, सा बालिका चलती, वह बालिका चलती है, वह बालिका चलती है। अब देखिए हम पावनी को आगे चलने को बोलेंगे, किनारे से चलने को बोलेंगे और फिर दूर से चलने को बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे वो आपको देखते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ पावनी इधर। देखिए पावनी किनारे है तो हम इसको बोलेंगे ऐसा चलती, ऐसा चलती, ऐसा बालिका चलती, ऐसा चलती। अब ये देखिए हम दूर हो गए हैं, है ना, तो दूर से बोलेंगे तो सा चलती, सा बालिका चलती, सा बालिका चलती, बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाइए। अब यहां देखेंगे बेटा इसी तरह से, ये जो कार है ठीक है, इसको संस्कृत में कार यानम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार यानम। यहां देखिए लिखा है कार यानम चलती, कार यानम चलती, कार यानम चलती, यानी कार चलती है, अब देखिए ये निर्जीव वस्तु है, नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके लिए हम यह के लिए किनारे पर बोल, किनारे पर है मान लो, और हम बोलेंगे यह चलती है तो क्या हो जाएगा, एतत चलती, एतत चलती, एतत चलती, एतत चलती, यह चलती है, यह चलती है, एतत कार्यानम चलती, एतत कार्यानम चलती, यह कार चलती है, यह कार चलती है, एतत कार्यानम चलती, एतत कार्यानम चलती, यह कार चलती है, यह कार चलती है। जब हम इसी कार को दूर से इंगित करते हुए बताएंगे तो क्या बोलेंगे, तत चलती, तत चलती, वह चलती है, वह चलती है, तत चलती, तत चलती, वह चलती है, वह चलती है, तत कार्यानम चलती, तत कार्यानम चलती, तत कार्यानम चलती, तत कार्यानम चलती, वह कार चलती है, वह कार चलती है। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया आप लोगों को। हाँ, अब यहां देखेंगे बच्चों, ये मान लीजिए एक कार है, दिख रही है आपको। yes. मान लीजिए कार है, इसको जब हम किनारे से बताएंगे तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, एतत चलती, एतत चलती, एतत चलती, एतत चलती, यह चलती है, यह चलती है, एतत कार्यानम चलती, एतत कार्यानम चलती,
यह कार चलती है। यह कार चलती है। एतत् कार्यानम् चलति। एतत् कार्यानम् चलति। यह कार चलती है। यह कार चलती है। अब हम इसी कार को बेटा दूर से बताएंगे, तब क्या बताएंगे? देखिए, ये देखिए हम दूर से बता रहे हैं, है ना? यस। हाँ। तत् चलति। वह चलती है। तत् चलति। वह चलती है। तत् कार्यानम् चलति। वह कार चलती है। तत् कार्यानम् चलति। वह कार चलती है। बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजा लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखा बेटा, आप लोगों ने समझा क्रियापदानी? हाँ, यानी क्रियापद अर्थात क्रिया शब्दों के बारे में आज आपने संक्षिप्त में जान लिया कि क्रियापद क्या होते हैं। साथ में आपने सर्वनाम शब्द हम किनारे की वस्तुओं के लिए इंगित करते हैं, तब हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दूर से वस्तुओं को जब हम इंगित करते हैं तो किस प्रकार हके शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इस बारे में आपने सीखा। सीखा ना? देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ऐसा ऐसा और एतत, एक तीनों का मतलब होता है यह किनारे की वस्तुओं के लिए, है ना? कोई लड़का या लड़की या कोई पुरुष किनारे हैं, उसके लिए ऐसा का प्रयोग करेंगे। कोई लड़की या कोई औरत या कोई महिला किनारे है तो उसके लिए ऐसा का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु यदि किनारे की है उसको इंगित करेंगे तो एतत का प्रयोग करेंगे। एतत, ऐसा और ऐसा, इनका मतलब होता है यह। इस तरह सह सा और तत, यानी वह होता है दूर की वस्तु के लिए, तो सह अर्थात वह कोई पुरुष या कोई लड़का किनारे है, ओ दूर है, तब उसके लिए हम सह का प्रयोग करेंगे। और कोई महिला या कोई लड़की दूर है और उसको इंगित करेंगे, इशारा करेंगे उसकी ओर, तो उसके लिए सा का प्रयोग करेंगे। और कोई दूर की वस्तु है, निजी वस्तु है, नपुंसकलिंग है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे तो हम तत का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत।